जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कार्तिक मास की कहानी, जो है कार्तिक स्नान की कहानी या फिर चतुर्मास में पुष्कर स्नान की कहानी। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में बेटा माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका। तब पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह चार समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि यानी कि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। तो ये थी चतुर्मास में पुष्कर स्नान की कहानी और बुढ़िया माई की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।